बाला के मटेडी शेखा गांव में आज कुश्तियों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज से आए कुश्ती पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम में आईटीवी ग्रुप के एमडी कार्तिक शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के लिए आयोजकों कार्तिक शर्मा ने बधाई भी दी। देखिए रिपोर्ट। कुश्ती हरियाणा का पारंपरिक खेल है और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों के मनोरंजन के साथ साथ खिलाड़ियों की प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया जाता है। इसी कड़ी में अम्बाला के मठेड़ी सेखा गांव में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई शहरों से आए पहलवानों ने अपना दम दिखाया। कुश्ती प्रतियोगिता में आईटीबी ग्रुप के एमडी कार्तिकेय शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ये हमारे अपने स्पोर्ट हैं, अपना खेल है, मिट्टी का खेल है, इसके साथ जुड़े रहें, अच्छा है। अच्छी कुश्ती एक ऐसी चीज़ है जो भारतीयता का एक प्रतीक है और हमारे साथ जुड़ी रही है। फिटनेस का भी अच्छा इसका एडवांटेज रहता है कि फिटनेस भी मिलती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अपने पुराने पुरातन खेल को जीवित रखना सबसे अच्छी बात है। यहाँ ग्राम पंचायत मटेड़ी सेखा ने कार्तिक शर्मा का जोरदार स्वागत किया। कुश्ती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आईटीबी ग्रुप के एमडी कार्तिकेय शर्मा ने कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन के लिए ग्राम पंचायत का धन्यवाद दिया और कहा कि कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल है, इसे संजोए रखने की जरूरत है। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वो कुश्ती के खेल से भावनात्मक रूप से जुड़ाव रखते हैं, साथ ही कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी करते हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार ये आयोजन हो रहा है, 2 साल बाद बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चों को, नौजवानों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको इसमें उत्साहित तर और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हुए अच्छा लगा। कुश्ती से मेरा बहुत प्यार रहा है पहले भी, और अच्छा लगा कि अगर लोग जुड़ते हैं, गांव इकट्ठे होते हैं, लोग आते हैं, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा लगा। कुश्ती के खेल में हरियाणा की धाक विदेशों तक है। ओलंपिक हो या फिर एशियन गेम्स, हर जगह हरियाणा के छोरे छोरियाँ कुश्ती में मेडल लाते हैं, जिसकी नींव ऐसे स्थानीय आयोजन से होती है। अम्बाला से अमन कपूर की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।